तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा Realme U2 स्मार्टफोन के बारे में। दोस्तों जैसे कि आपको पता है कि Realme X2 Pro स्मार्टफोन को 20 नवंबर को इंडिया के मार्केट में लॉन्च किया जाएगा। बताया जा रहा है कि दोस्तों Realme X2 Pro के लॉन्च के दिन ही Realme U2 स्मार्टफोन को भी इंडिया की मार्केट में लॉन्च किया जाएगा। अगर दोस्तों लीक्स और रूमर्स की माने तो मोबाइल फोन पर हमें क्वाड रियर कैमरे का सेटअप मिलेगा, 32 मेगापिक्सल का AI पॉपअप सेल्फी कैमरा मिलेगा और दोस्तों मोबाइल फोन पर हमें स्नैपड्रैगन 730G का पावरफुल SoC देखने को मिलेगा। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा Realme U2 स्मार्टफोन की कंप्लीट स्पेसिफिकेशन, बताऊंगा कि ये स्मार्टफोन किस प्राइस में इंडिया की मार्केट में लॉन्च किया जाएगा। अगर दोस्तों आप भी सब कुछ जानने के लिए इंटरेस्टिंग हो तो बिना स्किप के इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो, साइड में बेल आइकन को भी जरूर दबाएं। तो दोस्तों सबसे पहले हम बात कर लेते हैं मोबाइल फोन के डिस्प्ले से। तो Realme U2 स्मार्टफोन पर हमें 6.4 इंच की फुल HD प्लस डिस्प्ले मिलेगी, जहां हमें सुपर एमोलेड पैनल देखने को मिलेगा। और दोस्तों मोबाइल फोन पर हमें पॉपअप सेल्फी कैमरा मिलेगा, यानी कि जो सेल्फी कैमरा होगा वो पॉपअप कैमरा के रूप में देखने को मिलेगा, यानी कि मोबाइल फोन की डिस्प्ले फुल व्यू डिस्प्ले रहने वाली है। और मोबाइल फोन पर हमें एक इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर भी देखने को मिलेगा। ये तो थी दोस्तों डिस्प्ले की बात। अगर हम परफॉर्मेंस की बात करें तो ऐसे में दोस्तों बताया जा रहा है कि मोबाइल फोन पर हमें क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 730G का पावरफुल SoC मिलेगा। वह दोस्तों ये स्मार्टफोन हमें अलग अलग रैम वेरिएंट्स में मिलेगा, जैसे 4GB रैम 64GB स्टोरेज, 6GB 128GB और 8GB 128GB। जी हाँ दोस्तों ये स्मार्टफोन हमें अलग अलग रैम वेरिएंट्स में मिलेगा। वहीं अगर हम कैमरास की बात करें तो दोस्तों मोबाइल फोन पर हमें रियर साइड पर क्वाड रियर कैमरे का सेटअप मिलेगा, जैसे कि हमें रियलमी के कुछ प्रीवियस स्मार्टफोन पर देखने को मिलते हैं। जो मेन कैमरा होगा 64 मेगापिक्सल का होगा, जहां हमें सैमसंग GW1 का सेंसर मिलेगा। सेकेंडरी कैमरा 8 मेगापिक्सल का होगा, जो अल्ट्रा वाइड एंगल सेंसर रहने वाला है। और दोस्तों थर्ड सेंसर हमें 2 मेगापिक्सल का मिलेगा, जो डेप्थ सेंसर है। फोर्थ सेंसर भी 2 मेगापिक्सल का मिलेगा, जो एक मैक्रो सेंसर है। वहीं सेल्फी कैमरे की बात की जाए तो दोस्तों मोबाइल फोन पर हमें 32 मेगापिक्सल का AI पॉपअप सेल्फी कैमरा मिलेगा, यानी कि सेल्फी कैमरा हमें पॉपअप कैमरे के रूप में मिलेगा। कुल मिलाकर बात करें तो दोस्तों मोबाइल फोन पर हमें एक बेहतरीन कैमरे देखने को मिल जाएंगे। पावर बैकअप की बात करें तो दोस्तों मोबाइल फोन पर हमें एक पावरफुल बैटरी मिलेगी, जो 5000 mAh में रहेगी, जहां हमें टाइप सी पोर्ट और फास्ट चार्जिंग का ऑप्शन भी देखने को मिलेगा। दोस्तों मोबाइल फोन पर हमें 3.5mm का ऑडियो आउटपुट जैक, सभी तरह के बेसिक सेंसर भी मिलेंगे। सिक्योरिटी की बात करें तो मोबाइल फोन पर हमें इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर मिलेगा और एक फेस अनलॉक भी देखने को मिल जाएगा। तो ओवरऑल दोस्तों मोबाइल फोन पर हमें एक बेहतरीन स्पेसिफिकेशन मिलती है। और दोस्तों मोबाइल फोन पर हमें आउट ऑफ द बॉक्स एंड्रॉइड 10 और रियलमी खुद की OS देखने को मिल सकती है, बट दोस्तों ये अभी तक कन्फर्म नहीं है। तो ये तो थी दोस्तों स्पेसिफिकेशन। अगर हम मोबाइल फोन की रिलीज डेट और प्राइसिंग की बात करें तो जैसे कि दोस्तों मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था कि ये स्मार्टफोन भी हमें Realme X2 Pro के लॉन्च के दिन ही देखने को मिल सकता, बट दोस्तों अभी तक ये कंफर्म नहीं है। अगर प्राइसिंग की बात करें तो दोस्तों मोबाइल फोन के प्राइस हमें अराउंड 15,000 और 16,000 रुपये तक देखने को मिल सकते हैं। अगर दोस्तों ये स्मार्टफोन 15,000 और 16,000 रुपये की प्राइस में इंडिया की मार्केट में लॉन्च होता है तो दोस्तों एक बेस्ट स्मार्टफोन साबित हो सकता है, क्योंकि दोस्तों मोबाइल फोन पर हमें एक बेहतरीन स्पेसिफिकेशन देखने को मिल जाती है। तो दोस्तों मुझे पूरी आशा है कि आपके वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करो, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके साइड में बेल आइकन को जरूर दबाएं। तो चलिए दोस्तों अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी।